जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर हम चर्चा लेकर हाजिर हैं कि शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि शुक्र और बुध मित्र हैं, और बुध के घर में शुक्र आएंगे तो बुध अब वहां ज्यादा टिकने वाले नहीं हैं। बुध 2 अगस्त को, 3 अगस्त को मूव कर जाएंगे कर्क राशि में, लेकिन शुक्र अपना काम वहां दिखाएंगे और वहां पर बैठे हुए हैं राहु भी। तो चलिए इससे पहले कि चर्चा शुरू करें, आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते से ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। मैं जो भविष्य बताऊंगी वो लग्न के अनुसार होगा। इसका मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा शुक्र के मिथुन राशि में आने का, ये हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम विस्तृत चर्चा करेंगे जो मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। सबसे पहले हम ये जान लें कि शुक्र क्या है। शुक्र एक सौम्य ग्रह है, शुक्र दैत्याचार्य है। शुक्र जो है लावण्य का, सौंदर्य का और सौभाग्य का, पैसे का, लक्ष्मी का, आरोग्य का, बहुत ज्यादा सुंदरता का, आर्ट का, एंजॉयमेंट का, कामुकता का, वासना का, जिसे कहते हैं रीजनरेशन करना, जिसे कहते हैं फर्टाइल होना, और जिसे कहते हैं कि हम अपने जीवन में कितना आनंद देखते हैं, हम अपने जीवन में कितना एंजॉय करते हैं, इन सब का कारक होता है शुक्र। अगर और भी हम इसको अच्छे से जाने तो कुछ इस प्रकार के प्रेम, हर्ष, उल्लास, इन सब का भी शुक्र कारक होता है। चेहरे पे स्माइल, प्रेम संबंध के साथ विवाह संबंध का भी शुक्र बहुत कारक होता है। खासकर पुरुषों में उनका शुक्र अच्छा हो तो उनको स्त्री सुख बहुत मिलता है। अब यश, मान, समृद्धि, कला, संगीत, आर्ट, ज्वेलरी, इसके साथ साथ अगर मैं कहूं कि कोई भी आर्ट से रिलेटेड फील्ड, या आप कुछ ऐसी चीजों में हैं जहां पर रुई का काम होता है, कपड़ों का काम होता है, तो वो भी शुक्र के आधिपत्य में आता है। अब शुक्र जो है ये फैशन संबंधी बहुत सारे काम करवाता है, क्योंकि सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। तो फैशन संबंधी कार्यों में शुक्र देखा जाता है कि इनका शुक्र कहाँ पड़ा है कुंडली में। अच्छा खाना पीना, लेखन, ये सब भी शुक्र के ही गुण है। वाहन, अगर आपके पास बहुत बड़ी कार है तो समझ लो कि शुक्र बहुत अच्छा होगा। आंखों का, बालों का, यूरिनरी ट्रैक्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, जैसे स्त्रियों में ओवरी, यूट्रस, और जैसे कामुकता, इन सब चीजों का भी शुक्र ही स्वामी होता है। और अब हमने शुक्र के विषय में जैसे जाना, तो एक बात और जान लें कि जब शुक्र अच्छा रहता है तो इंसान जिंदगी में बहुत सुख देख पाता है, खुशियां देख पाता है, और आश्वस्त रहता है कि नहीं सब अच्छा है। और शुक्र खराब होने से दुखी होता है। लेकिन एक बात यहां पर समझ के चलें कि सभी लग्न वालों को ये बात लागू नहीं होती। कर्क लग्न वालों के लिए शुक्र की दशा कभी अच्छी नहीं जाती, हालांकि शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी हो तब भी। कुछ ऐसे लग्न है जैसे सिंह लग्न है तो कुछ ही पोर्शन अच्छा जाएगा और कुछ पोर्शन खराब जाएगा। तो हर इंसान के लिए एक ही तकड़ी में तोलना, जब तक उसकी पर्सनल कुंडली ना देखो, शुक्र की प्लेसमेंट ना देखो, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि शुक्र आपके लिए अच्छा ही है या बुरा ही है। अब बात करें बुध की, तो बुध की राशि है मिथुन, और उसमें प्रवेश करने वाले हैं ऐसे चमत्कारी शुक्र जो कर देते हैं मालामाल, जो आपको एक ही रात में एकदम मजेदार स्थितियां दिखाते हैं, देश विदेश ले जाते हैं, एंजॉयमेंट कराते हैं। ये वायु तत्व की राशि है बुध, और कहा जाता है कि बुध जिसके साथ बैठता है वैसा असर देता है, नपुंसक कहा जाता है बुध को। लेकिन इसके बहुत परिणाम होते हैं, जैसे तर्क शास्त्र, वाणिज्य, व्यवसाय, बुद्धि, इन सब का दाता होता है बुध।
वो दाता होता है आपके लेखन का, भाषा का, आपके बोलने चालने का, व्यवहार का, व्यवहार कुशलता का, आपके मित्र, आपके दोस्त, मतलब वो काम करता है बुध जो शुक्र ने अधूरा छोड़ा होता है। जब शुक्र सब चीजों का दाता है, लेकिन शुक्र जब बुध के साथ संयोग करता है तो उसको पुश मिल जाता है। ऐसा कन्या राशि के लिए नहीं होता, सिर्फ मिथुन राशि के लिए होता है, क्योंकि कन्या राशि बहुत तह तक सोचती है और तह तक सोचने के कारण थोड़ी आध्यात्मिक होती है, और ज्यादा तह तक सोचने के कारण तर्क कुतर्क विचार में पड़कर भौतिकता से बाहर निकल जाती है, और जब वो भौतिकता से बाहर निकल जाती है तो शुक्र वहां कंफर्टेबल नहीं रहता। इसलिए शुक्र कन्या राशि में जाके नीच का हो जाता है और अच्छे फल नहीं देता, लेकिन मिथुन राशि में शुक्र बहुत अच्छे फल देता है। आईटी, टेलीकॉम, अर्थव्यवस्था, इन सब का मालिक भी होता है बुध। कान, नाक, रेस्पिरेटरी यानी कि आपकी फेफड़े बोल सकते हैं, गला और त्वचा और जांघ और बाहें, इन सब चीजों का, छाती, इन मिथुन राशि में अगर हम कहें तो बुध इनका स्वामी होता है, और बुध जो है वो शुक्र का मित्र है। अब ऐसे में हम जान रहे हैं कि ये दोनों मिलके क्या करेंगे, मतलब शुक्र इतना कंफर्टेबल हो जाएगा बुध के साथ में, उसको कला, उसकी सुंदरता, उसका फैशन, उसका काम, उसको बूस्ट मिल जाएगा, और बुध के घर में आके वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, और उसको कोई हेजिटेशन नहीं रहेगी आगे बढ़ने के लिए। फिर वो किसी भी घर में बैठा हो वहां का वो शुभ ही फल देगा, बशर्ते वहां पर कोई ऐसा ग्रह ना बैठा हो जैसे गुरु, जो शुक्र का मित्र नहीं है, या ऐसे, मतलब गुरु शुक्र भी महालक्ष्मी योग सर्टन जगहों पे करते हैं, लेकिन ऐसे ग्रह ना बैठे हो जैसे सूर्य जो शुक्र को अस्त कर देता है। इसलिए पर्सनल कुंडली देखना हमेशा जायज रहता है। अब ये शुक्र मिथुन में जा रहे हैं, 31 जुलाई को प्रवेश करने वाले हैं और 31 अगस्त तक मिथुन में रहेंगे। अब जब प्रवेश करेंगे तो ये मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे और आगे फिर आराद्रा में चले जाएंगे 8 अगस्त को राहु के नक्षत्र में, तो राहु तो साथ में बैठा हुआ है, उसका भी असर जानेंगे हम, और फिर 22 अगस्त को ये गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे, जहां पर ये बाद में 31 अगस्त के बाद निकल जाएंगे, तब तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे। इस बीच शुक्र जब मंगल के नक्षत्र में रहेगा तो उसे उसमें कामुकता, ऐश्वर्य और बहुत ज्यादा विलासिता, भोग विलास, ये सब प्रेम संबंध है, इन सब चीजों का कारक बना रहेगा। तो जब आराद्रा नक्षत्र में रहेगा शुक्र तो राहु को सपोर्ट करेगा, कि राहु भी उसका मित्र है और राहु शुक्र को सपोर्ट करेगा। अब ऐसे में राहु जो है वो गलत चीजों का भी स्वामी है, और अगर राहु ने कोई गलती किया आपकी कुंडली में तो उसमें एक जबरदस्त गलत चीजों में भी अपने आप को सिद्ध करने का मौका उसको मिलेगा, और शुक्र के सपोर्ट के कारण वो गलतियां करते जाएगा। तो आपकी पर्सनल कुंडली से पता चलेगा कि शुक्र राहु को कहाँ गलत सपोर्ट करे, कार्य क्षेत्र में ना करे, और उल्टा ऐसे भी हो सकता है कि शुक्र राहु मिलके आपके मीडिया से रिलेटेड काम बनाए, आपके बहुत सारे ऐसे काम बनाए जो शुक्र राहु किया करते हैं आर्ट से रिलेटेड। तो आइए चलिए जानते हैं हम मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि, मेष राशि के लिए शुक्र जाएंगे पराक्रम में और मीडिया से रिलेटेड कामों के लिए बहुत कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उत्साह, उमंग और अंदर का आनंद बढ़ा रहेगा, छोटे भाई बहनों से बहुत सपोर्ट मिलेगा, और हो सकता है लोन लेने देने की तैयारी की हो या आपके विवाहित जीवन में कोई अड़चने हो तो उसमें भी आपको आराम मिले, रिलैक्सेशन मिले, आपका कामकाज से आपकी पत्नी, स्पाउस, पार्टनर खुश हो। वृषभ राशि, आपके लग्न का स्वामी द्वितीय में जाएगा तो बुद्धि, चातुर्य, आपका कल्पकता, आपके कॉन्फिडेंस के कारण आपके परिवार में आप खुशी लाओगे, पैसा लाओगे, एक अजब प्रकार की
खुशी छाएगी और वो लोग सपोर्ट करेंगे आपको पैसे से, हर चीज़ से, और आप भी उनको सपोर्ट करोगे। आपके बोलने चालने से, सिंगिंग से, बात से, कला से आपका नाम होगा, काम होगा। और साथ ही साथ आपको अगर लोन्स लेने देने में किसी की सहायता चाहिए, मामा पक्ष से सहायता चाहिए, या आपके ननिहाल पक्ष से, या साथ ही आपको कोई तबीयत खराब थी, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो वो रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी आपको। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न में आ जाएगा शुक्र। बड़े सुंदर दिखेंगे आप, आपकी सुंदरता की तारीफ होगी, आपके कॉन्फिडेंस की तारीफ होगी, और इसके साथ आपकी बुद्धि की तारीफ होगी, कल्पकता की तारीफ होगी, आर्ट की तारीफ होगी। सेम बच्चों के साथ होगा आपके, और बच्चे भी आपके खूब अगर रिजल्ट्स वगैरह ला रहे हैं तो बहुत अच्छे लाएंगे, आप खुश रहेंगे, और आगे चल के ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। 1 महीना रहने वाला है, कैश कीजिए स्थिति को और अपना आर्ट वाला काम बढ़ा लीजिए। कर्क राशि, आपके लिए माता से फुल सपोर्ट और खूब पैसा धन की प्राप्ति कहीं ना कहीं से, लेकिन उतना ही खर्च करने के पीछे पड़ जाएंगे आप। विदेश रिलेटेड कामों में बहुत रुचि बढ़ेगी, आप चाहेंगे कि शिफ्ट हो, लेकिन अभी समय नहीं है, बाहर स्थिति ठीक नहीं है। प्रेम संबंध बनेंगे आपके अच्छे वाले, और उसमें आपको लाभ होगा। हो सकता है कि आपके ऐसे अभी से आके जाए विदेश रिलेटेड दौरे जो आपको आगे करने हैं। सिंह राशि, आपके लिए अब एंजॉयमेंट, पैसों की, पैतृक संपत्ति से विवाद खत्म, आपको उसमें भी बहुत हंसते गाते खेलते निकाल देगा वो तकलीफ से, और साथ में आपके कार्यों पर खर्च कराएगा, और एकदम से आपके भाई बहन आपको सपोर्ट करें, या उत्साह बढ़ जाए, आपका जोश बढ़ जाए कि काम कर सकता हूं मैं, तबीयत अच्छी है आपके, ऐसी जगह मनोरंजन की जगहों पर आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं। कन्या राशि, आपके कार्य में अचानक वृद्धि, कला, आर्ट, फैशन, सौंदर्य, इन सब चीजों से रिलेटेड रुई वगैरह काम, जैसे कपड़े और कई सारी चीजें जो सौंदर्य से जुड़ी होती हैं, आर्ट से जुड़ी होती हैं, इन सब में वृद्धि आप कर सकते हैं, और साथ ही आपके पिता से बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपको धन आएगा, घर में खुशी छाएगी, और अपने काम पर, अपने यात्राओं पर, शुभ यात्राओं पर या एंजॉयमेंट की यात्राओं पर भी आप खर्च करेंगे। तुला राशि, आपके लग्न भाव का स्वामी है, भाग्य में आएगा, क्या ही कहने, आपको आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा, और आपके अचानक से काम बनेंगे, आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके बड़े भाई बहन आपका साथ निभाएंगे, आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपको बाहर जाके करने, धार्मिक यात्राओं पे करने हैं या आनंद लेते करने हैं, तो वो भी हो जाएंगे। अचानक से पर्सनालिटी डेवलप होगी और आपके कॉन्फिडेंस की बहुत चर्चा होगी, आपकी सुंदरता की बहुत चर्चा होगी, बड़ा एंजॉयमेंट में गुजरेगा ये समय। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब ये आपका ये तबीयत ठीक करता है, आपकी कामोजन्य मतलब कामुकता बढ़ाता है, आपके विवाहित जीवन में सपोर्ट तो देता है, लेकिन आपको स्पेस देके थोड़ा सा आनंद लेना है, आनंद जरूर देगा। व्यवसाय में जहां पर मीडिया से रिलेटेड काम है, वहां पर कोई पार्टनर मिल जाएगा आपको, और व्यवसाय बढ़ाने के लिए आप कुछ हो सकता है कि इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा है, क्योंकि खर्च जो फालतू में करेंगे वो बेकार होंगे, और अभी प्रेम संबंधों में भी आपको पूरी तरह छूट नहीं मिली है कि आप ओपनली कुछ करें। धनु राशि, आपके लिए विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट है, आनंद है, हो सकता है आपको कोई अच्छा लगे या शादी करने के लिए आप सोचें अगर विवाह नहीं हुआ है तो, और धन लाभ भी प्रचुर मात्रा में हो, आर्ट से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड कामों में, या फैशन से रिलेटेड कामों में, ज्वेलरी से रिलेटेड कामों में, आपके विवादित कुछ के कोर्ट केसेस हैं वो भी ठीक हों, तो आनंद लीजिए अपने विवाहित जीवन का भी, और बड़े भाई बहनों के साथ, ताया चाचा वगैरह के साथ संबंधों का भी। मकर राशि, आपके लिए बहुत ऐसी स्थिति है कि आपको आनंद मिल भी रहा है, नहीं भी मिल रहा है, लोन चाहिए तो, लेकिन बहुत सारे पैसे आपको कर्जा बन के रहेंगे, लेकिन लोन मिल जाएगा आपके लिए। स्थिति, तबीयत खराब थी उसमें, जैसे अगर आपको यूरिनरी ट्रैक या ऐसी कोई तबीयत खराब जिसमें यूट्रस ओवरीज लेडीज के लिए है, तो उसमें आराम मिलेगा, और आपका पैसे आपके कार्य के लिए आप इन्वेस्ट मत कीजिए, लोन्स वगैरह भी लिमिट में लीजिएगा। आपके कार्यों पर आपको खर्च करने का बड़ा मन है, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाइए, और पिता से अचानक उनकी तबीयत ऐसी खबर आना कि अच्छा है सब, तो आपको थोड़ा सा आश्वस्त रहेंगे आपके, चलो ठीक है,
पहले आप ज्यादा बेहतर स्थिति में थे जब वृषभ में शुक्र था, तो अभी थोड़ी स्थिति आपके लिए डाउन होगी, तो बहुत ज्यादा आश्वस्त होके कोई काम मत करिएगा। कुंभ राशि, आपके लिए एक बेहतर स्थिति में माइंड आएगा, एंजॉयमेंट आएगी और आपके बच्चे भी खूब एंजॉय करेंगे, डांस, गाना, नाच, कला, इन सब चीज़ों में। और अचानक से भाग्य में वृद्धि, अचानक से कोई पढ़ाई का संदेशा, कोई रचनात्मक कार्य, कोई ऐसा लेखन का कार्य, कोई बुद्धि चातुर्य का कार्य, उसमें आपकी नाम होगा, काम होगा और आपको कुछ फायदा होगा। इसके साथ ही अगर आप सोचोगे कहीं एंजॉयमेंट के लिए कहीं बाहर जाना, तो वो भी रास्ते निकलेंगे और बड़े भाई बहनों से और बच्चों से आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। मीन राशि, अभी देखिए कि घर में रेनोवेशन करने की सोची है, कीजिए, आपका घर बड़ा सुंदर दिखेगा और लोग कहेंगे, तारीफ करेंगे कि आप बड़े सुखी हैं, आपको सुख मिलेगा अपनी, कहते हैं ना, आपकी ऐसी स्थितियाँ जो आप चाहते थे कि आपकी ये स्थितियाँ आपकी माँ की वजह से आए, या उनकी तबीयत ठीक हो, या उनके लिए कुछ करना है, या कोई भी चीज़ जो माँ से रिलेटेड है तो वो, या हेल्पर से रिलेटेड है, या जो मातहत लोग काम कर रहे हैं उनसे रहें, तो वो बड़ा सुख देंगे आपको। और आपके वाहन वगैरह से रिलेटेड भी आपको सुख मिलेगा। हाँ, तबीयत में अगर आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है तो ठीक तो होगी, लेकिन मेरी ये सलाह कि अभी थोड़ा बचते बचाते ही चलिए, डायबिटीज़ वगैरह से शुगर इनटेक वगैरह कम रखिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, शुक्र का असर मिथुन राशि में, फिर मिलेंगे ऐसी ही कोई अच्छी चर्चा लेकर। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।